आज हमने शहर ताजिया कमेटी की तरफ से उर्दू मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें सुन्नी ताजिया कमेटी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली की उस ताल्लुक से हमको आज वजाहत करना था। हमने उसकी पूरी तफसील प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। जो तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई वो आप लोगों को इन मीडिया के ज़रिए मालूम पड़ जाएगी, लेकिन हमारी जो ज़्यादा अहमियत आज इस बात की है कि आने वाले दिनों में मुहर्रम का त्यौहार किस तरह हम शांति से मनाया जाए, इसके लिए हमारी कोशिश है। सबसे बड़ी हमारी कोशिश ये थी ताजिया घर के ताल्लुक से, ताजिया घर के प्रकरण को सुन्नी ताजिया कमेटी के इतराज़ की वजह से वो नकारा गया जगह के बारे में। हम दूसरी जगह या उसी जगह पर किस तरह कानून के दायरे में काम हो इसके लिए जद्दोजहद में लग गए और इंशाल्लाह उसमें हमको कामयाबी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हम शहर की आवाम से ताजियादारों से गुजारिश करेंगे कि जो कुछ भी हुआ सुन्नी ताजिया कमेटी की तरफ से उस बात को भूल कर हमें इस शहर में किस तरह मुहर्रम अच्छे ढंग से मनाया जाए इसके लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। मैं आप तमामी ताजियादारों से गुजारिश करूँगा कि मुहर्रम के वक्त जब हम ताजिया अपने घर के बाहर बिठाएं और तीसरे दिन जब ताजिया हम दफन करने के लिए ले जाते हैं ताजिया लेन में, उस दिन तक या विसर्जन के दिन तक या टाइम तक हमको हर हाल में सब्र से काम लेना है। किसी भी तरह की बदनामी या कोई अशांति की बात ना हो इसके लिए हमको कोशिश करना है। शहर ताजिया कमेटी तमामी तरह से पुलिस के साथ रबते में है, मालेगांव कमिश्नर कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है गोसावी साहब उनके साथ रबते में है, प्रांत साहब से रबते में है। हमारी कोशिश यह है कि किसी भी तरह मुहर्रम का त्यौहार जो है अच्छे ढंग से गुजरे। उसमें एक बात यह लिखी है शाहनामे में कि 12 नवंबर के ताल्लुक से जो बातें की जा रही है तो ये आप लोग यकीन मानना, उसमें एक लफ्ज़ और लिखा है गद्दारी की बात है। गद्दार कौन कौन है वो मुझको मालूम है, कौम का गद्दार कौन है। मैं एक बात आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लफ्ज़ गद्दारी की बात करते हैं कि महीनों पहले नवाब मलिक साहब जो मिनिस्टर थे हुकूमत महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था रज़ा एकेडमी के ताल्लुक से 12 नवंबर के वाक़यात के मामले में नवाब मलिक ने कहा था कि रज़ा एकेडमी को कोई पार्टी का नाम लिया उसने की फंडिंग की। नवाब मलिक भी गद्दार होगा फिर, बीजेपी के लीडर ने किसी ऐसा उसने बोला था नवाब मलिक ने, वो तो हमारा कोई साथी नहीं है, शहर ताजिया कमेटी का कोई मेम्बर नहीं है नवाब मलिक, मगर एक मिनिस्टर एक जिम्मेदार एक महाराष्ट्र के मुसलमानों का कदावर लीडर माने जाने वाला नवाब मलिक वो ये बोलते हैं कि रज़ा एकेडमी की बात। तो वो भी मुसलमान है ये भी मुसलमान है। 12 नवंबर के बाद मालेगांव शहर के एमएलए सेंट्रल हलके के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा और कुछ बच्चे लीडरान जो घूम रहे गाँव में इधर उधर इन लोगों ने भी कहा कि ये जो हुआ है ये राष्ट्रवादी वाले किए हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि नदी की इस पार राष्ट्रवादी कौन चला रहे हैं, मुस्लिम चला रहे हैं कि गैर मुस्लिम चला रहे हैं। तो जो राष्ट्रवादी के ऊपर आरोप लाया गया बोला गया तो वो मुसलमान नहीं है क्या? तो क्या वो भी गद्दार है? मालेगांव का शहर का एमएलए गद्दार है कौन का? और हम तो वो बात कर रहे हैं जो एफआईआर में नोंद है ऑलरेडी। हमने नहीं जाके फरियाद नहीं दी, हमने पुलिस को नहीं बोला कि इसका 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 नाम लो, हम तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, हम तो उनके कोई प्रोग्राम में शरीक भी नहीं थे, हम किसी का नाम नहीं दिए वहाँ एफआईआर में। ऑलरेडी जिनका नाम एफआईआर में है और उन लोगों ने शहर ताजिया कमेटी के प्रोग्रामात को ताजियादारी के मामलात को ताजिया घर के मामलात के ऊपर जो उंगली उठाई जो तकलीफ़ और नुकसान पहुँचाया इससे शांति भंग हो सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं, ताजियादार इससे नाराज़ है, इस बात को हम महसूस किए और हमने फिर ये कहा कि कहीं ताजियादार मुहर्रम के बीच या सन के दौरान अगर ये सुन्नी ताजिया कमेटी के लोग कहीं दिख जाए और ये गुस्साहित लोग अगर उनसे सवाल जवाब में कुछ बात पैदा हो जाए तो उससे हालात बिगड़ सकते हैं, तो क्यों ना इनको उस वो बोलकर इनको बोल दिया जाए कि तुम जाओ जमा हो जाओ। हमने वही मांग की कि जिन लोगों पर एफआईआर है उस गुनाह की एफआईआर चूँकि पुलिस ने दाखिल की है, फरियादी पुलिस है, हम नहीं हैं, शहर ताजिया कमेटी का कोई मेम्बर कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो ऐसे लोगों जो एफआईआर में नोंद हैं और घूम रहे हैं आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है,
ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये बात लेकर हमने एडिशनल एसपी को एक लेटर दिया। वो लेटर की कॉपी हमने सिटी पीआई को भी दिया और आयशा नगर पीआई को भी दिया। एक बात हम जानते हैं कि जो 9 महीना हो जाएगा, जो गरीब बेचारे बंद हैं, मजदूर बंद हैं, या उनको कहना चाहिए आज वो मजलूम हैं, ऐसे लोगों की रिहाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो लोग गिरफ्तारी नहीं दिए हैं, जो आयोजक के नाम पे या कुछ सपोर्टर के नाम पे उसमें एक्टिव थे उस दिन, ऐसे लोगों को ऊपर जो एफआईआर है और पुलिस आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, यही हम बोलकर उनको लेटर दिया है। हमने कोई ऐसा बात नहीं किया कि ये आरोपी वो गुनहगार, वो पत्थर चलाया, वो गाली दिया, हमने ये नहीं कहा। हमने सिर्फ यही कहा है और इसलिए कहा है मैंने जो वाज़े किया कि इन लोगों ने ताज़िया घर के मामले में जो तकलीफ दी, जो नुकसान पहुंचाया ताज़ियादारों का, उससे शहर के ताज़ियादार या ताज़ियादारी के मानने वाले सभी लोग नाराज़ हैं। हमने पुलिस को आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है और उस पर कायम रहेंगे कि जिस तरह हमेशा मुहर्रम शांति से अमन के साथ मनाया गया है, उसी तरह इस साल भी मुहर्रम अमन और शांति से मनाया जाएगा। और अमन और शांति से मने, इसी के लिए हमने कहा था कि 12 नवंबर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए और ये अगर जेल में रहे, अंदर रहे, या उस दिन कम से कम उनके साथीदार, जो आयोजक के साथीदार थे उस दिन, जो काला कपड़ा पहन के सबसे ज़्यादा अपने आप को एहतजाजी बता रहे थे रसूल की मोहब्बत में, कहीं मोहब्बत वोब्बत नहीं थी, सब नाटक था, ये जो अपने आप को शो कर रहे थे, अगर यकीनन मैं ऐसा मान दूं, मेरा अकीदा है कि जैसी नियत होगी वैसा अमल होगा, वैसी बरकत होगी। अगर नियत साफ होती ना तो शायद ये दिन नहीं आता। खैर, जो हुआ उस दिन उसका तो मैं निषेध कल भी किया था, आज भी करता हूँ, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये लोग फरार ऐसे ही रवाम में घूमते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहे, कमिश्नर और एसपी ऑफिस में भी जाके बैठ रहे, मैं तो हैरान हूँ कि आरोपी लोग भी एसपी ऑफिस में बैठ रहे हैं जाके, जो जमानत पे छूट के आए हुआ भी लीडरी कर रहे हैं। ये हाल है यहाँ पर। तो जो कुछ हमने दिया है शहर ताज़िया कमेटी के लेटर हेड पर कि ये लोग है, उसके ऊपर ऐसा है, उसका सारा सबूत भी पुलिस के पास पहले से मौजूद है। हमको पुलिस को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पुलिस के पास सारे सबूत है कि कौन इसमें क्या क्या रूल अदा किया है। अभी मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के ताल्लुक से यजीद की बातें हो रही है, यजीद ने क्या किया उस वक्त इमाम हुसैन के साथ, सब बातें हो रही है। ये जो बोला जाता है ना, आयोजक ने पत्थर चलाया था क्या, मैं दावे से बोल रहा हूँ इस बात को, मैंने कल तस्दीक किया, मैं दावे से बोल रहा हूँ कि करबला के मैदान में यजीद नहीं आया था, यजीद ने तलवार नहीं चलाई, मगर सारा किया धरा तो यजीद का था, हाकिम यजीद था, इसलिए वो पहले मुजरिम था। कोई ये सोचता होगा कि पत्थर चलाने वाला मुजरिम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस के पास तो सबूत है और सबूत की बुनियाद पर कोर्ट में फैसला होगा जब होगा, मगर हम ये चाहते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा हमारा फिर वही मुतालबा है कि हम अमन और शांति से मुहर्रम मनाएंगे, लेकिन अमन और शांति से मुहर्रम उसी वक्त हो सकता है जब गुनहगार अंदर हो जाए, दंगाई अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि डर लगता है कि ये दंगाई अगर बाहर रहे तो फिर कोई ना कोई विषय लेकर मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में, ताज़िए के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। हमको डर लगता है इस बात का, इसलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। हाल में हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैंने यहीं अभी बैठ के कमिश्नर से टाइम लिया है और हम यहाँ से वो करने के बाद कॉरपोरेशन जाने वाले हैं। वो लड़ाई हमारी हर हाल में लड़ते रहेंगे और ताज़िया घर इस शहर में बनवाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी, इसलिए कि वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और कॉरपोरेशन जैसे गणेश कुंड के लिए फंड इकट्ठा देती है ना, कमिश्नर साहब ने कहा, हमसे खुद कहा कि मेरे पास आज पावर है, मैं गणेश कुंड के लिए कुछ फंड दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ताज़िए वालों को भी लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम, कुछ ना फंड दूँ। ये हम उनका स्वागत किया, उनकी बात को माने और अच्छा माने।
हम उनको उसी बात को लेकर हम कॉरपोरेशन आज जाएंगे और ये बात रखेंगे कि आपने जो कहा था उस पर अमल कर लीजिए। भाई अभी आपने कहा कि करबला के मैदान में यजीद नहीं आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं आया था। के जो मुंतजमीन है उन्होंने भी पत्थर नहीं चलाया था। हाँ, क्या आप कहना चाहते हैं कि दोनों बराबर है? मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ, ये समझने की बात है। जिसको जैसा समझना है, जिस नज़रिए से समझना है, वैसा वो समझे। ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ और उस प्रोग्राम के वक्त जारी किए वक्त अगर कुछ हो जाए तो मैं ये मानता हूँ, चूँकि मैं आयोजक हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं ये मानता हूँ, कानून भी यही है। और मैं तो ये माना उस दिन कि जब पुलिस ने कोई भी परमिशन नहीं दिया था, बंद के दिन, 12 नवंबर के दिन, बंद के दिन किसी भी तरह का जलसा, जुलूस, धरना, आंदोलन का परमिशन पुलिस ने नहीं दिया था, तो जब जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून को भी तो मानना चाहिए ना। आप मिसाल को बराबरी क्यों बता रहे हैं? मिसाल की है, आप उसको बराबरी से मौजूद रहे हैं। पुलिस ने किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं दिया था और बंद नबी के नाम पर, कौम के नाम पर, रसूल की मोहब्बत में सारे मुसलमानों ने, वहाँ कोई मसलक नहीं था, एक नबी को मानने वाले जितने सारे लोग थे सब लोगों ने इत्तेफाक राय से बंद किया। बंद पुरान था, अगर बंद पुरान है था उस वक्त तो कोई ज़रूरत नहीं थी रोड पर आने की, एहतजाज तो दर्ज हो चुका था। हमारी बात, आवाम की बात, मुसलमानों की बात सरकार तक तो पहुंच चुकी थी कि वहाँ के लोग नाराज़ है, गुस्साहित है, अपनी नाराज़गी जताने के लिए उन्होंने अपना कारोबार बंद करके खामोश बैठ गए शांति से। लेकिन क्या वजह थी जो 3 बजे के बाद हुसैन सेठ कंपाउंड से एक जुलूस की शक्ल में शहीदों की यादगार के पास आता है? ये कानून गैर कानूनी था, ये कानून टूटा, गुनाह हुआ, इसको मैं गुनाह मानता हूँ, उसकी हमकी कोई परवाह नहीं। जो सही है वो जिंदगी भर मरते तक मैं बोलूँगा, जो सच है मैं किसी से समझौता नहीं करने वाला आदमी हूँ, जो गलत है वो, हाँ मैं अगर कानून तोड़ता हूँ और मैं उसकी सफाई देता हूँ, मैं गुनहगार हूँ तो कानून वो काम करे, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं गलत काम नहीं किया है। फायर हो रही थी, पुलिस ने उस गुनाह को 169 की धारा पे वापस लिया, मेरे ऊपर जो गुनाह बना था, हम नहीं भागे, हम जेल गए, 18 दिन जेल में था मैं, और मैं ये माना कि जेल में जब तक कोई नहीं जाए लीडर नहीं बनता, ऐसा मैं वहाँ समझा रहा कि पता नहीं लोग क्यों इतना डर रहे हैं जेल जाने से, रसूल की मोहब्बत में नहीं जा रहे हैं, नबी के नाम पे जान दे देंगे, माल दे देंगे और क्या क्या देंगे, उनका मामला था, खाली जेल जाने से डरा जा रहा है। हमने उनसे गुजारिश की है कि वो हमको ताज़िया रखने की इजाज़त दें और पूरी उम्मीद है कि वो इजाज़त दे देंगे। अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो मैं, हमारे लोग और ख़ासतौर से यहाँ की पुलिस, और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है एडिशनल SP खांडवी साहब का, खांडवी साहब अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद आज भी उनको बुलाया गया है सिया जमात के लोगों को और इसी मुद्दे पर उनसे बात हो जाएगी, और मुझको उम्मीद है कि वो इस साल शायद वो मान जाएंगे जो तकालीफें हैं और ये कुछ बातें हैं, और वो मान गए तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। पुलिस इस काम में जो काम कर रही है उसके लिए हम पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं कि ताज़ियादारों की तकालीफ को देखते हुए पुलिस जो महसूस कर रही है उसके मुताबिक वो काम कर रही है। हम पुलिस के शुक्रगुजार हैं कि वो ताज़िया घर के मामले में ताज़ियादारों के साथ है। ऐसा है, 12 नवंबर के मामले में आप पुलिस के रोल को सही मान रहे हैं या फिर पुलिस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते? मैंने जो सही था वो बोला। 12 नवंबर के मामले में अगर ये वाकई निहाली तहरीक चलाते, जो अपने आप को निहाली बोल रहे हैं, असल में मैं हलाली निहाली है, फ़र्क ये आ गया है, और जो लोग अपने आप को निहाली बोल के तहरीक चला रहे हैं इनको न्याल साहब की हिकमत और सियासत समझी नहीं आज तक। गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हर साल मुहर्रम अमन व शांति के साथ मनाया गया, उसी तरह मुहर्रम जो है अमन व शांति के साथ मनाया जाए, कहीं भी किसी भी तरह की बदनज़मी ना हो। अगर कहीं कोई बदनज़मी होती होगी तो, कहीं भी अगर बदनज़मी होती होगी, जहां तक हो सके खुद समझाने की कोशिश करें, अगर ना समझे तो पुलिस को इसकी इत्तला करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें,
और कानून अपने हाथ में ला लें। कानून हमको कहीं तोड़ना नहीं है, क्योंकि मुहर्रम जो है सब्र का महीना है। इमाम हुसैन का पूरा परिवार सब्र किया, तो आज हम साबिर हैं, सब्र करेंगे। हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं होगी, हम पुलिस को भी भरोसा दिलाए हैं, और फिर आज मैं आप लोगों के माध्यम से पुलिस को भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि शहर में अमन कायम रहेगा, शांति कायम रहेगी। लेकिन इसके लिए हमने कुछ बात की है तो उस पर भी अमल होना चाहिए, खाली एकतरफा बात नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि पुलिस की तरफ से वॉलंटियर्स लोग जो होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, उनको कार्ड दिया जाता है। इस दफ़ा भी पुलिस की तरफ से वो कार्ड तमाम वॉलंटियर्स को दिया जाएगा। तो शहर ताज़िया कमेटी जहाँ के जो मेंबरान हैं और जो ताज़ियादार हैं, जहाँ मेन मेन जगह ताज़िया रखी जाती है, वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो अपना दो फ़ोटो और आधार कार्ड की जेरोक जो है ताज़िया कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे कुर्बान हैं, यूब है, मुख्तार सफ़ी साहब है, जावेद सेठ है, इन सब के पास जमा करा दें। और मैं समझता हूँ कल तक अगर जमा करा देंगे तो हम उनको आसानी, यानी पुलिस को भी आसानी हो जाएगी कार्ड बनाने में। तो पुलिस ये जो काम की हमारे साथ वॉलंटियर्स के लिए भी इंतज़ाम किया, हम पुलिस का इस काम का शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे माहौल होंगे, जैसे हालात पैदा होंगे, आवाम में कुछ बात रखना होगी तो आप लोगों को फिर हम याद करेंगे, आप तमाम लोग आए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जावेद सेठ जो है हमारे यहाँ, वो शुक्रिया की रस्म अदा करें।